आपने कुछ कंप्लेन दर्ज कराई थी जी सर? जी। क्या क्या समस्या दर्ज कराई थी सर? हम लोग पशुपालन विभाग में जो है राष्ट्रीय खुरपका मुंहपका पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक साल से वर्क कर रहे हैं, लगभग एक डेढ़ साल से। अभी तक कोई भी जो है मानदेय नहीं मिला, कोई भी ज्ञापन करने के लिए। समझ में लीजिए, पहले पशुपालन विभाग में किस पद पर कार्य कर रहे हैं? वैक्सीनेटर। पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर पद पर कार्य कर रहे हैं जी, और हमारे साथ सहायक हैं। वैक्सीनेटर पद क्या उनका पशुपालन विभाग का सरकारी पद है या सरकारी नहीं है सर? खुद एक पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के योजना के अंतर्गत जो वैक्सीन होती है उसको वैक्सीनेटर वैक्सीन लगाएगा और इनाफ फीडिंग करेगा, और सहायक जो है टैगिंग का कार्य करेगा, टैगिंग टैग लगाएगा और इनाफ पे टैगिंग अपलोडिंग करेगा जी सर। अच्छा, आप वैक्सीनेटर हैं और सहायक कोई और है? हाँ, सहायक मतलब तो बहुत सारे सहायक हैं, बहुत सारे जितने भी वैक्सीनेटर हैं किसी को वेतन नहीं मिला है जी सर? हाँ सर। वेतन कौन रिलीज करता है इसका? सर इसका वेतन सर पशुपालन विभाग से होता है, और अब पता नहीं कौन करते हैं। पशुपालन विभाग में कोई तो अधिकारी होगा जिसको आप लोग रिपोर्ट करते होंगे सर? हम लोग तो सर, हमारे अधिकारी तो सर सीबीओ साहब से नीचे जो पशुधन प्रसार अधिकारी होते हैं, पशुधन प्रसार अधिकारी है जी जी, वही रिलीफ करते होंगे। क्या नाम है उनका, पशुधन प्रसार अधिकारी? कहाँ पर है? तो पशुपालन मतलब जिला सदर अस्पताल में जहाँ रहते हैं है? और डॉक्टर प्रभारी वंदना सिंह इलाहाबाद की हैं। नहीं नहीं, आपके प्रभारी कौन है? हमारे तो डॉक्टर वंदना सिंह है। डॉक्टर वंदना सिंह है? हाँ, इलाहाबाद।